का दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वाईपी ब्लॉग्स में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल के बारे में, जो कि स्थित है नजफगढ़ के डाबरखेड़ा गाँव में। इस हॉस्पिटल का नाम दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के सम्मान में यह नाम रखा गया। यह एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति व आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा किया जाता है। अगर आप यहाँ मेट्रो से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा वो पड़ेगा ढासा स्टैंड मेट्रो स्टेशन, और सबसे पास में जो बस स्टैंड पड़ेगा वो पड़ेगा आपको खरखड़ी नाहर गाँव। वहाँ से आप 10 से 20 रुपये में बैटरी रिक्शा से यहाँ पहुँच सकते हैं, और एक बस यहाँ तक आती है जिसका बस नंबर है 826। आप उस बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको इस हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देगी। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे कुछ इस तरह से आपको हॉस्पिटल का बोर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है गेट नंबर 1 से एंट्री लेंगे। एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है पार्किंग मिलेगी। यहाँ पर आप स्कूटी या बाइक वगैरह से आप या कार से आते हैं तो यहाँ पर अपनी बाइक या स्कूटी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पार्किंग का किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कितनी भी देर यहाँ पर पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। यहाँ पर सामने बहुत ही सुंदर आपको चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की प्रतिमा दिखाई देगी, और इस प्रतिमा के राइट या लेफ्ट साइड से आप जैसे ही जाएंगे हॉस्पिटल का आपको ओपीडी वार्ड दिखाई देगा। यहाँ से आप ओपीडी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे तो मैं दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ, लेकिन यहाँ आकर कुछ अलग ही अनुभव हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यहाँ की जानकारी साझा करूँ और आपको यहाँ के बारे में बताऊँ। यहाँ पर आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा इलाज किया जाता है, आप भी यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही साफ़ सुथरी हवा आती है यहाँ पर। आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, दिल्ली के प्रदूषण से दूर। यहाँ पर प्रदूषण आपको बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा। इस हॉस्पिटल का स्टाफ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि बात करने में बहुत ही सहज लगा मुझे। सुबह 8 से 1:30 बजे तक यहाँ पर ओपीडी चलती है। आप यहाँ पर आकर सुबह 8 से 1:30 बजे तक दिखा सकते हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री है, दवाई का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, और कुछ इस तरह के फूल भी लगाए गए हैं जिनसे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि यहाँ पर धक्का मुक्की या भीड़ भाड़ का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक टोकन दे दिया जाएगा, उसी टोकन नंबर से आपके जो है डॉक्टर से आप दिखा पाओगे। डॉक्टर आपको उसी के टोकन के अकॉर्डिंग आपको बुलाएगा और आपके लिए दवाइयाँ लिख देगा। आप वहाँ से दवाई, फिर दवाई काउंटर से आके आप दवाई ले सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई मुझसे भूल हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कृपया करके अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी तरह की जानकारी मैं आपको आगे भी दे सकूँ। अगर आप भी इस हॉस्पिटल में आए हैं या फिर जाएँगे तो कृपया करके कमेंट में यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा रहा इस हॉस्पिटल में जाने के बाद। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, और टोकन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। आप जैसे ही आएंगे टोकन नंबर जो आपका आएगा उसके हिसाब से आपको डॉक्टर को दिखाया जाएगा, उससे आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। आप आएंगे 1.5 से 1 घंटे के अंदर यहाँ से आप फ्री हो जाएंगे डॉक्टर को दिखा के और दवाई लेकर।